नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हिचड़ों से मेरा सवाल है कि वो बताएं कि उन्होंने क्या किया है। ओ, चड्ढी गैंग है आरएसएस, वो भी झालरों का विरोध कर रहा था। रामदेव और रविशंकर जैसे दोगले लोग, ये हिजड़े कुछ नहीं बोले, ये दोगले कुछ नहीं बोले, ऐसा क्यों किया? जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, अब इससे बड़ी बात कहने की कोई जरूरत नहीं। ये कहा कि इस कुत्ते में एक खास आदत है, ये कुत्ता झूठ बोलता है, कि मोदी के इतने जूते खा करके आप जिंदा कैसे हो? नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हिचड़ों से मेरा सवाल है कि वो बताएं कि उन्होंने क्या किया है। मात्र इन 6 सालों में 70 साल कांग्रेस ने देश को बेच दिया, हम भी मानते हैं, चलो छोड़ो, लेकिन तुम इन 5-6 सालों में क्या बनाया? कोई यूनिवर्सिटी, कोई भी एम्स, कोई भी हॉस्पिटल, कोई एक चीज पटेल की मूर्ति के अलावा जिसे तुमने अपनी बेशर्मी और बेहयाई के नाते, अपने चाइना प्रेम के नाते, उसे भी चीन से बनवाया? बाकी बनवाया क्या, तुमने किया क्या, तुमने बनाया क्या? तुम तो बेचने के अलावा कोई काम नहीं कर सके। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कितने बड़े बेशर्म हो कि अपनी बातों पर बात ही नहीं करते। तुमने जो किया उसकी तो चर्चा ही नहीं करते, उस पर तो बात ही नहीं करते, उस पर तो मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं हो, उस पर तो बोलने के लिए तैयार नहीं हो। तुमसे बड़ा बेशरम बेहया मैंने राजनीति 60 साल में किसी भी राजनेता को, भारतीय जनता पार्टी के किसी और नेता को भी इतनी बड़ी बेगैरत, इतना बड़ा बेशरम मैंने नहीं देखा है। यह अलग बात है कि आज सारी भारतीय जनता पार्टी हिजड़ा बनकर के उसके पीछे खड़ी है, यह अलग बात है, क्योंकि पता नहीं यह राजनीति का नशा ही कुछ और है। हो सकता है। तो दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है, जो होने वाली जो है, कि 190 ट्रेनों को, अब यह तो बहुत छोटी बात हो गई, पूरे भारत की, चाहे कोल हो, चाहे रोड हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे जो भी है भारत में, सब कुछ एयर इंडिया हो या जितनी भी कंपनियां हैं, सब का प्राइवेटाइजेशन, सब की बिक्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और मैं समझता हूं इन्होंने तय कर रखा है कि नवंबर दिसंबर तक अगर मुझे जाना ही है, अगर मुझे जेल भी जाना है, तो कम से कम इतना बेचकर रख लूं कि अगर विजय माल्या की तरफ देश छोड़कर भागूं, या नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की तरह अगर देश छोड़कर निकल भी जाऊं, तो वहां ऐश कर सकूं। अब दूसरा और तो कोई कारण नहीं समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, आपको क्या समझ में आता है पता नहीं, मुझे तो यही लगता है। तो दोस्तों, मैंने कहा इनके प्राइवेटाइजेशन पर कुछ भी नहीं बचेगा, मात्र एक संसद भवन बचेगा, उसके अलावा नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा भारत बेच देंगे, भारत की संस्थाएं, भारत का, अभी बेच भी दिए, अभी बेच नहीं देंगे, बेच दिए। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा मेरे दोस्तों, कि अभी इन्होंने शिक्षा, भारत में शिक्षा का एग्जामिनेशन पिछले सालों विदेशी कंपनियों से करवाया, इन्होंने कुंभ का, मेले का आयोजन विदेशी कंपनियों से करवाया, और नरेंद्र मोदी के ऊपर सर के बाल जो उनके अपने हैं उसको छोड़ करके जो भी उनके शरीर पर है सब कुछ विदेशी है। सोचिए, क्या ऐसी ही कल्पना थी आपको ऐसे ही प्रधानमंत्री की? आज जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपसे ऐप डिलीट करवा रहे हैं, वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी
पेटीएम के ब्रांड एम्बेसडर बनकर के भारत को जबरदस्ती पेटीएम यूज करने के लिए प्रमोट किए थे। जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज भारत में 59 ऐप डिलीट करवा करके सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं चीन पर, वही नरेंद्र मोदी आपको वोल्टी मोबाइल जियो का फ्री तभी आपको मिलेगा जब आपके हाथ में वोल्टी मोबाइल होगा। लोगों ने जियो फ्री लेने के लिए भारत की पूरी जनता, कम से कम हम समझते हैं 100 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने जियो का फ्री लिया और चाइना का मोबाइल खरीदा, जिसके लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जियो के ब्रांड एम्बेसडर थे और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत वासियों को मजबूर किया कि वो वोल्टी मोबाइल खरीदें यानी चाइना मोबाइल खरीदें, क्योंकि चाइना ही बनाता था वोल्टी मोबाइल मात्र एक सॉफ्टवेयर डाल करके। ये साजिश नहीं थी तो और क्या थी, और ये साजिश थी 5 लाख करोड़, भारत का 5 लाख करोड़ चाइना को यूं ही दे दिया गया। ये देशद्रोही किया था आपके नरेंद्र मोदी ने, जो आज 59 ऐप डिलीट करवा करके सर्जिकल स्ट्राइक यानी चाइना को परास्त कर दिया जैसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो आज 59 ऐप डिलीट करके चाइना को परास्त करने जैसा भारत को दिखा रहे हैं, यही दर नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के हजारों प्रोजेक्ट को चाइना के हाथों दिया, भारतीयों को नहीं दिया, दूसरे देशों को भी नहीं दिया, चाइना को, सिर्फ चाइना को दिया। यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो आपसे 59 ऐप डिलीट करवा करके सर्जिकल स्ट्राइक की फीलिंग लाना चाहते हैं आपके अंदर, यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बाजार लगा करके, दिल्ली में बाजार लगा करके भारत को 100% एफडीआई इन 100 सेक्टर प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने देश को बेचा, यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी 9 बार जाकर के उसी सी जिनपिंग के चरणों में साष्टांग दंडवत करके आए, वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वही भारतीय जनता पार्टी जानते हैं 2014 से पहले अगर इन्होंने इनको वोट मिला या अगर इन्होंने अपने प्रचार में सबसे ज्यादा लाइमलाइट में कुछ रखा तो वो रखा था चाइना का विरोध, चाइनीज झालरों का विरोध, चाइनीज मूर्तियों का विरोध, चाइनीज लाइटों का विरोध, चाइनीज खिलौनों का विरोध। कब? जब कांग्रेस की सरकार थी और इस नपुंसक इंसान को सत्ता में पहुंचना था साजिश करके, तब इसके पीछे जो चड्ढी गैंग है आरएसएस वो भी झालरों का विरोध कर रहा था, उसके सारे विंग्स झालरों का विरोध कर रहे थे, चाइना का विरोध कर रहे थे। लेकिन रामदेव जैसे लोग, रामदेव जैसे दोगले लोग, रामदेव और रविशंकर जैसे दोगले लोग देश को बरगलाया, देश से मक्कारी की, देश को झूठा बताया, 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, ये होगा, मोदी आएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, बढ़ चढ़ करके झूठ, चाइना का विरोध, स्वदेशी का पंपलेट बांटा करता था ये रामदेव, स्वदेशी और विदेशी का एक पंपलेट बांटा करता था। नरेंद्र मोदी आकर के भारत में जितनी भी विदेशी कंपनियां थी उन्हें स्वदेशी में परिवर्तित कर दिया, कुछ नहीं बोला, ये हिजड़े कुछ नहीं बोले, ये दोगले कुछ नहीं बोले। ऐसा क्यों किया? 100% एफडीआई का नाम लेकर ही ये दोगले रविशंकर और रामदेव जैसे लोग, ये दोगले वोट मांग रहे थे नरेंद्र मोदी के लिए, और जब 100% एफडीआई इन 100 सेक्टर लागू हुआ तो ये दोगले अपने अपने घरों से बाहर भी नहीं निकले, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला,
ये इंसान है, ये तो जानवरों से भी बदतर है, ये इंसान के काबिल ही नहीं है, इंसान इन्हें कहना ही गलत है। जिस इंसान में स्वाभिमान ना हो, जिस इंसान में बोलने की ताकत ना हो, जिस इंसान में विरोध करने की ताकत ना हो, जिस इंसान में सत्य को स्वीकार करने की, वो इंसान ही नहीं होता। हो तो दो पता नहीं, मैं तो कल ही बोल चुका हूं, गांव में एक कहावत बहुत प्रचलित थी, मैं बहुत बार सुनता था, जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। अब इससे बड़ी बात कहने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों ऐसे अगर ऐसे मैं बोलूं तो मैं रात भर बोल सकता हूं नरेंद्र मोदी के उन कुकर्मों को जिसके जरिए आज चाइना हम पर हावी हो चुका है, भारत की हर छोटी छोटी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया गया चाइना को भारत में बसाने के लिए, हर छोटी बड़ी इंडस्ट्री को, बड़ी इंडस्ट्री को भी तबाह कर दिया गया चाइना को भारत में बसाने के लिए। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया, कोई और नहीं किया। और वही नरेंद्र मोदी आपके सामने 59 ऐप डिलीट करके आपके मन में सर्जिकल स्ट्राइक की फीलिंग डलवाना चाहते हैं और आप भी तालियां बजाते हैं, तो मैं आपके लिए, मेरे पास आपके लिए फिर शब्द नहीं बचते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों के, कहने का अर्थ यह है कि जब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी रहेंगे तब तक भारत का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा, बेच डालेगा। जब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे तब तक कोरोना वायरस नहीं रुकेगा, लोगों को मारता रहेगा, क्योंकि कोरोना वायरस कोई वायरस नहीं है, नरेंद्र मोदी का पाप है। नरेंद्र मोदी का पाप है जिसे यह देश अपनी जान देकर चुका रहा है। साजिद साहब कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट, बेरोजगारी बढ़ गई, युवा के पास नौकरी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे मित्र, लेकिन इस बेशरम के पास कोई शब्द नहीं है। यह बेशरम बस एक बात बोलेगा, आएगा, अभी मैंने कहा ना, अभी बोल के गया कि लाखों लोगों की जान बच गई, तो जब लाखों मर जाएंगे तब बोलेगा करोड़ों लोगों की जान बच गई। लेकिन तब भी इस भारत कायर भारतीयों में यह जुनून और यह बात क्यों नहीं आएगी कि यह नरेंद्र मोदी से कम एक सवाल तो कर ही सकते हैं, नरेंद्र मोदी आप देश को बताइए कि आपने कौन सा सही कदम उठाया था जिसके कारण भारत के लाखों लोगों की जान बच गई। और इतनी मर्दानगी तो आई सकती है यार, भारत में भारत वीरों से खाली कभी नहीं रहा है, भारत में एक से एक वीर पैदा हुए हैं, भारत में जनरल डायर को उसके घर में घुस के मारने वाले पैदा हुए हैं, भारत में भगत सिंह पैदा हुए हैं, भारत में चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए हैं, भारत में लक्ष्मीबाई पैदा हुई हैं, भारत में अशफाकुल्ला खां पैदा हुए हैं, भारत में बहुत से वीर पैदा हुए हैं, लेकिन आज भारत को क्या हो गया है? कोई क्यों नहीं बोलता, कोई एक सवाल, मात्र एक सवाल कोई नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछता कि आप देश को यह बता दो कि आपने सही कदम कौन सा उठाया जिससे लाखों लोगों की जान बच गई, बस और कुछ नहीं। वो सही कदम देश को भी बता दो, आप बार बार आते हो, बोल के चले जाते हो, उचित कदम उठाया, सही समय पर उठाया, तो वो सही समय और उचित कदम दोनों बता दो देश को। कम से कम जो ताली बजाए हैं बेचारे, जो थाली बजाए हैं बेचारे, कल को मर गए तो मरने से पहले जान तो लेंगे कि आपने कितना अच्छा काम किया है, कौन सा अच्छा काम किया है। बस इतना ही, ये बस इतना ही। लेकिन मैं समझता हूं कि ये देश वीरों से खाली होता जा रहा है, ये देश कायरों से भरता जा रहा है, ये देश में कायरता छाती जा रही है, कायरता आदमी के, इंसान के जहन में, इंसान के खून में भरती जा रही है,
कोई आवाज नहीं उठा रहा है, मात्र सवाल कर सकता है। हम नहीं कहते, हम तो बस इतना ही कहते, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसी का, उन्हीं से उन्हीं वही सवाल पूछ लो। ये नरेंद्र मोदी ही कह रहे हैं कि हमने सही उचित समय पर लॉकडाउन किया और उचित समय पर सही कदम उठाया, तो यही सवाल पूछ लो कि आप देश को बता दो, बेचारे कुछ लोग जो मर जाएंगे उनको पता ही नहीं चलेगा, मर जाएंगे, आपने क्या अच्छा काम किया, क्या सही कदम उठाया, ये तो बता दो। किशोर पटेल जी चलिए अच्छी बात, आप अपने सोच पर टिके रहिए, आप अपने सोच को जिंदा रखिए। उमांदली खान धन्यवाद बंधु। तो ऐसा, अब मैं बस यही चाहता हूं कि देश नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी की कही बातों का ही पर ही सवाल कर ले, बस मैं ये चाहता हूं और कुछ नहीं। मेरी कोई चाहत नहीं है, मेरी बस एक ही चाहत है, कम से कम नरेंद्र मोदी की बातों पर सवाल तो कर ही सकते हो यार। या इस देश में, मैंने कहा ना कि इस देश में अब कोई भगत सिंह नहीं रह गया, अब कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं रह गया, अब कोई उधम सिंह नहीं रह गया, जो अगर गोली ना चला सके तो कम से कम एक सवाल तो कर सकता है कि भाई प्रार्थना करते हैं, मुझे बता दो कि आपने क्या किया है। अब मैं आपको यह नहीं कहा जाता कि आप बहादुरी करो, आप कम से कम सवाल कर लो, एक सवाल पूछ लो कि भाई आप देश को बता दो कि आपने क्या किया, किसके कारण लाखों लाखों लोगों की जान बच गई, अब इतने लोग मर गए, अब कितना मरना चाहते हो आप। चलिए दोस्तों, अंतिम बात जो आप लोगों को, कोरोना वायरस के दवा की खोज प्रतियोगिता, यानी आज सब कुछ मंत्रालय ने, जैसा कि एनडीटीवी पर मैंने देखा, उससे पहले तो मैं पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है, कि एक प्रतियोगिता यानी ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन, यानी एक प्रतियोगिता कोरोना वायरस की दवा बनाने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की गई है, कौन रिसर्च करेगा, कौन बनाएगा, क्या इस तरह की। अभी ऐसे ही मजाक, मतलब अब ये आपको मजाक लगता है, नहीं मजाक लगता तो मैं नहीं जानता, ऐसे ही मजाक लोगों के साथ किए जाएंगे, देश के साथ ऐसा ही मजाक किया जाएगा। जो दवा बनाएगा उसको डंडे लेकर दौड़ाएंगे। अभी रामदेव चाहे जितने बड़े ठग हो, मैं जानता हूं कितने बड़े ठग हैं, तो रामदेव चाहे जितने बड़े ठग हो, लेकिन एक दवा बनाई, अब एक दवा बनाई कोरोलिन, और कहता और दावा भी किया कि हम इससे ठीक कर देंगे, तो क्यों नहीं। और रामदेव ने जो दवा बनाई वो कोई इन्वेंशन नहीं है, वो तो हमारे आयुर्वेद में है, और वो हमने कहा ना कि मतलब तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, इन सब प्रदेशों में प्रयोग हो रहा है, और यहां मौत की दर बहुत कम होने का कारण भी यही है। अब सही दवा तो है नहीं, कोई कोरोना वायरस की दवा तो है नहीं, तो जो है इम्यून सिस्टम की दवा है, इम्यूनिटी बढ़ाने की, तो उसके लिए तो हमारा काढ़ा जो पहले से चला आ रहा है, पूर्वजों से, हमारे घरों से पारंपरिक मसाले यानी दालचीनी, लाची, लवंग, नींबू, सौंफ, अजवायन, ये इन्हीं सब चीजों का काढ़ा बनता है, इन्हीं सबसे दवा बनती है। तो हम रोज प्रतिदिन, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता ही ऐसी थी, हमारी परंपरा ही ऐसी थी कि हम रोज दवा खाते थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जैसे शासकों ने भारत को में चाइना को प्रश्रय दिया, तो हम चाइनीज खाने लगे, हम पिज्जा खाने लगे, हम बर्गर खाने लगे, हम चाइनीज फूड खाने लगे। हम पता नहीं क्या क्या उसको बोलते हैं,
चाउमीन खाने लगे, ये खाने लगे, वो खाने, तो हमारे मसाले हमारे हमारे जीवन से निकल गए, जिसे आज हम कोरोना वायरस से बचने के लिए कढ़ा बनाकर पी रहे हैं वो हम रोज खाते थे। पुराने जमाने में हल्दी हमारे दाल में पड़ती थी, जीरा से छौंका जाता था, सौंफ हर और सौंफ से और मेथी से छौंका जाता था, तड़का मारा जाता था। ये दवाएं आ गई। हम जब सब्जी खाते थे तो उसमें दालचीनी, लवंग और तेज पत्ता, अजवाइन, इस तरह की सारी जो मसाले होते थे वो सारे आज हम कढ़ा के रूप में बनाकर पी रहे हैं, वो हम रोज खाते थे। और एक बात और, नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि भारत में मौत का रेशियो कम है, इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को नहीं जाता है। नरेंद्र मोदी ने तो सबको मरने की पूरी व्यवस्था कर दी, क्योंकि भारत इन मसालों में, भारत में ये मसाले बचे थे, लोग मसाले खाते थे, ये दवाएं खाते थे कुछ लोग, इसके लिए कम मौत हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि भारत में हमेशा गरीबी रही है, और गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, रोड पे रहना, डेंगू होता था, मलेरिया होता था, इन्फ्लुएंजा होता था, इन सब चीजों को भारत झेलता आ रहा है। इसलिए उसका इम्यून सिस्टम, अगर कोरोना वायरस से क्या होता है, आपको बुखार होगा, सर्दी होगी, खांसी होगी, कफ जाम हो जाएगा। अगर कफ हो जाएगा तो सांस की क्रिया तो अपने आप ही बाधित होगी, तो कहने का निमोनिया हो जाएगा। तो ये सारी बीमारियों से तो हम लड़ते आ रहे हैं, ये इन सारी बीमारियों से अमेरिका नहीं लड़ता, इन सारी बीमारियों से रशिया नहीं लड़ता, इन सारी बीमारियों से चाइना भी कम लड़ता है, इन सारी बीमारियों से स्पेन नहीं लड़ता, इन सारी बीमारियों से यूके और ब्रिटेन नहीं लड़ता, लेकिन हम इन सारी बीमारियों से लड़ते रहे हैं। इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम उसको एडाप्ट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, और इसलिए मौत की दर कम है। इसमें नरेंद्र मोदी के कोई निर्णय या कोई, वो तो मौत की पूरी व्यवस्था कर दी उन्होंने तो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने तो नमस्ते ट्रंप करके और शिवराज की सरकार बना के लोगों के मरने की पूरी व्यवस्था कर दी थी। अब अगर आप बच जाओ, अगर आप बच गए तो ये आपकी किस्मत, और जब बच गए और आपकी किस्मत से आप बच भी गए तो भी नरेंद्र मोदी कहेंगे, देखिए तुम जिंदा हो तो मेरी कृपा से, तुम जिंदा हो तो मेरे कारण, क्योंकि बेशर्मी की कोई दवा नहीं होती। मैंने कल एक किस्सा सुनाया था दोस्तों आप लोगों को, जो कल नहीं जुड़े थे उनको शॉर्ट में वो किस्सा सुना देता हूं, कि एक देश के पास एक कुत्ता था, और वो उस कुत्ते को वो अपने आप अपने देश से हटाना चाहते थे, दूसरे किसी को भी देना चाहते थे। तो बाकी सारे देशों का मेला लगाए, बाकी सारे देश आए, बाकी सारे देश जुड़े, तो बोले भाई हम तो लेने आए हैं लेकिन इसकी विशेषता क्या है, तो उस देश ने बोला कि भाई ऐसा आप इस कुत्ते से ही पूछ लो, ये क्या इसकी विशेषता क्या है। अब कुत्ता छोड़ने लगा, मेरे कारण पूरा देश बच गया, मेरे कारण देश में बाढ़ आई और हम सबको बचा लिए, भूकंप आया तो हम सबको बचा लिए, मेरे कारण मतलब बहुत सी चीजें उसने अपने प्लस में बताई, हमारे कारण इस देश, अगर ये देश अगर जिंदा है तो हमारे कारण जिंदा है, हमने बचा लिया, इस देश में तो भूकंप आया था सबको हमने बचा लिया, इस देश में सुनामी आई थी हमने सबको बचा लिया, इस देश में भूखमरी आई हमने सबको बचा लिया, वगैरह वगैरह ऐसा बोला कुत्ते। तो उसने बोला, जो लोग आए थे लेने के लिए वो बोले कि भाई इतना योग्य कुत्ता है, जब इतना काबिल है तो इसे आप दे क्यों रहे हो, इसे अपने से दूर क्यों कर रहे हो, आप इसे हटाना क्यों चाहते हो, ये तो निधि है समझ लो, ये तो आपके लिए बहुत जरूरी है, आप इसे क्यों हटाना चाहते हो। तो उस देश ने यानी उसके मालिक ने ये कहा
कि इस कुत्ते में एक खास आदत है, यह कुत्ता झूठ बोलता है। अब समझ गए होगे दोस्तों कि जिन मतलब कुत्ते ने जो भी कहा सब झूठ कहा, उसकी सारी खासियत खत्म। यानी यह झूठ बोलता है। अभी झूठ बोलता है तो कुछ भी बोल सकता है, जब आदमी झूठ ही बोलेगा तो वो कुछ भी बोल सकता है, उसके बोलने की कोई सीमा नहीं होगी दोस्तों। इसी कहानी के साथ आज का व्याख्यान। तो कोरोना वायरस की दवा की खोज में आज भारत और भारत के नरेंद्र मोदी के वही हिजड़े भारतीय जनता पार्टी के हैकाथॉन यूज बढ़ा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं। तो खैर छोड़िए, ये सब तो एक मजाक की बात है। बात मेरी पूरी हो चुकी है दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कीजिए, अब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। राकेश वर्मा कहते हैं, इनकी बातें सुनकर आप लोगों को लगता नहीं, आप लोगों को लगता नहीं कि किसी साइकोट्रिक की कंसल्टिंग चाहिए? आप बहुत बड़े राकेश वर्मा जी, आपसे बड़ा साइकोट्रिक कौन होगा? आप ही मेरी कंसल्टिंग कर दो, थोड़ा ज्ञान दे दो कि मोदी के इतने जूते खा करके आप जिंदा कैसे हो, बस इतना ही ज्ञान दे दो मुझे। और क्या मैं कहूं, इससे ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकता। पवन कुमार स्वामी, मोदी मोदी, धन्यवाद बंधु। आप अपनी टाइम लाइन पे लिखते रहिए, सुबह से शाम तक बस एक ही चीज लिखिए, मोदी 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 लिखते रहिए। आगे गॉड ब्लेसिंग पंडित जी, जयेश जी बोलते हैं धन्यवाद बंधु। तो आप लोगों से, अच्छा सही सर धन्यवाद। तो आप लोगों का कोई सवाल अगर एक मिनट में आता है तो हम जरूर उसका जवाब देंगे। आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो सवाल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि समय खत्म हो चुका है। कल हम फिर नए विषय के साथ आपसे जुड़ेंगे, आप लोगों के बीच अपनी बातें रखेंगे। लेकिन आज के लिए मैं समझता हूं कि हमारा समय समाप्त हुआ और आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। वैसे भी इस समय 11:11 हो रहे हैं दोस्तों, तो अब आपसे हम विदा लेंगे। बहुत अच्छे अंकल, अंधभक्तों को धन्यवाद। गुड सर, माशाल्लाह, धन्यवाद मोहम्मद जी। सभी को वंदे मातरम, जितने लोग जुड़े, आप लोगों से प्रार्थना है, विनती है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसे YouTube बना करके चलाएं, आप लोग मेरे इस लाइव को स्टोर भी कर लें, क्योंकि कुछ बातें मैंने चैलेंजिंग कही हैं, तो इसे स्टोर भी कर लें, YouTube बना के चलाएं, अपने टाइमलाइन पर चलाएं, वॉच पार्टी में चलाएं, जैसे भी हो सके लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।